चीन ने एक बार फिर अपना ऑफिशियल मैप जारी किया और हर बार की तरह फिर भारत ने उस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। चीन ने इस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और विवादित साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताया है। चीन की इस हरकत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भड़क गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को नक्शे में शामिल करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चीन की आदत है कि वो इस तरह के नक्शे जारी करता रहा है। चीन दूसरे देशों के क्षेत्रों को अपना बताने से सच्चाई नहीं बदल देगा। जयशंकर ने कहा कि चीन अपने नक्शों में उन हिस्सों को शामिल करता रहा है जो उसके नहीं है। ये उसकी पुरानी आदत है। भारत के हिस्सों के अपने नक्शे में शामिल करने से कुछ नहीं बदलने वाला। हमारी सरकार हमारी सीमाओं और क्षेत्र को लेकर बहुत स्पष्ट है। इस तरह के भद्दे दावे करने से दूसरे देशों के इलाके उनके नहीं हो जाएंगे। चीन पर भड़कते भड़कते एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर भी बोल दिया और कहा कि पाकिस्तान तो एक लूजिंग स्टॉक है। लूजिंग स्टॉक के बारे में कौन बात करता है? आज पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता। आज बाजार में पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं है। हारते स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं करता। एस जयशंकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमने जम्मू कश्मीर को अब तक अपनी राजनीति की वजह से पीछे रखा है। मैंने देखा है कि पूरी दुनिया में इस मुद्दे को कैसे भुनाया गया है, हम पर किस तरह दबाव बनाया गया। अगर लोग मुझसे हमारे 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां पूछेंगे तो मैं यकीनन धारा 370 का जिक्र करूंगा। हमने किस तरह से कोरोना का मुकाबला किया उसके बारे में बात करूंगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटाने का पूरी दुनिया ने स्वागत किया है। अब आइए बात करते हैं उस मैप को लेकर जिस पर विवाद छिड़ा है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक मैप पोस्ट किया। मैप में अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है और 1962 के युद्ध में अक्साई चीन पर कब्जा किया गया था, उसे चीन ने अपना हिस्सा बताया है। वहीं भारत ने चीन से बार बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। मैप में ताइवान के अलग अलग द्वीप और साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से पर चीन ने दावा किया है और दावा करने वाली 9 डैश लाइन पर चीन के दावों को भी शामिल किया गया है। चीन ताइवान को अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा होने का दावा करता है और मुख्य भूमि के साथ इसकी एकीकरण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संकल्पित उद्देश्य का हिस्सा है। वहीं वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी दक्षिण चीन सागर क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।